अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शरीफ कांग्रेस का एक कारकुन हूं मैं और बलिया में कारपोरेटर कॉन्टेस्ट कर चुका हूं मैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए बल्कि ये कारपोरेटर और बोरामंडे का कारपोरेटर हैदराबाद का डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन जो गुंडागर्दी कर रहा, इसका सबक क्या है? इन्हें ना औरतों देख रहा ना मर्द में देख रहा, इसके कुत्तों को गुंडों को लगा के आवाम को परेशान कर रहा बोरामंडे की। केटीआर साहब से गुजारिश है, इसकी इंक्वायरी कराइए, करा के इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। सिर्फ और ये सिर्फ वसूली और सेटलमेंट के पीछे पड़ा है। 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करा, किसके बाप की दौलत है? ये आवाम की दौलत है और ये जुल्म कर रहा, सता रहा, पैसे वसूली कर रहा, इसके कुत्तों को छोड़ के हर जगह डरा रहा, धमका रहा। बिगर सेक्शन में भी एक एसटी महिला है, वो महिला पे वो टीआरएस पार्टी की एक कारकुन थे, उनके ऊपर भी बदतमीजी जुलूम करने से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। उनको पार्टी क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? मैं अब तक 50-60 कंप्लेंट दे चुका हूँ बाबा फसीउद्दीन के खिलाफ, उसके जो कारकुन है गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए अभी तक। मैं पूछता हूँ इसका सबक क्या है? आखिर क्यों इसको इतना ढील दिया जा रहा है? इसके तरफ से, इसके जैसे गुंडों के तरफ से पार्टी का नाम बदनाम हो रहा। आज पार्टी इतना काउंट डाउन हो चुकी है, लिहाजा हाईकमान इस पर सीरियस एक्शन लेते हुए कुछ एक्शन लेंगी तो बराबर इंशाल्लाह बोरामंडे में अमन कायम होगा। ये हिंदू मुसलमान का फिरका फैलाना चाह रहा, ये मुसलमान को बोलता हिंदुओं से बचो, हिंदुओं को बोलता मुसलमानों से बचो, इस तरीके से गुमराह कर रहा। ना भी दिए तो कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, इसकी वजह क्या है? कानून सिर्फ जबानी है क्या, अमल में नहीं है क्या? अमली कानून भी चाहिए बोरामंडे में, हैदराबाद में। जब होल सिटी पाशा कादरी पे कंप्लेंट हो सकता तो इस बाबा फसीउद्दीन पे क्यों नहीं हो सकता, पूछना चाहता हूँ मैं। तेलंगाना हुकूमत पे मेरे पूरी आवाम को एक भरोसा था कि तेलंगाना हुकूमत आवाम के साथ इंसाफ करेंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पार्टियों वालों के साथ कुछ भी जुलूम हो रहा तो तेलंगाना हुकूमत उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही। क्यों ऐसा पूछता हूँ, क्या इसकी वजह क्या है? क्या आखिर इन गुंडों को क्यों साइड दिया जा रहा है? ज़रा मेरी गुजारिश है कि सीरियस एक्शन कानून भी ले और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस पर ले और तेलंगाना हुकूमत भी इस पर ले, बल्कि मेरी दरख्वास्त है। चार पांच शपथ हो गया कि भी बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर जानलेवा हमला करे। टीआरएस के तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश कर रही हूँ कि मैं सबसे सख्त कार्रवाई कीजिए और एसआर नगर की पुलिस स्टेशन तेलंगाना को एसआर नगर के पीएस से भी गुजारिश करूँ कि सबसे सख्त एक्शन लीजिए। हमारे शोहर को जान का धोखा है, कभी भी हों दो बाहर निकले तो भी जान का धोखा है। कुछ भी उन बाबा फसीउद्दीन थे हमारे और लेडीज़ के ऊपर भी हमारे को जानलेवा ये कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इधर वाले उधर वो कर रहे हैं। और ये उनके जो चमचे हैं ना कुत्ते, वो क्या शाली है और इमरान खलील वो लंदा और बहुत सारे नाम हैं, मोहसिन और याद नहीं है खलील, और उन लोगों को ये कर रहा उन्हें करके उनके ऊपर ये कर रहा। सबसे सख्त सजा दीजिए, एक्शन लीजिए। फिर हमारे शोहर के ऊपर जान लेना हुआ तो कुछ भी जान का धोखा है, कभी ना कभी जान का धोखा है। किसकी जिम्मेदारी कौन लेते, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते? उनके भी बच्चे हैं, बीवी है, उनको भी उन्होंने ऐसा कहीं को कर रहे हैं। उनको कार्रवाई सख्त से सख्त कीजिए, कार्रवाई